एक बहुत अच्छा टॉपिक आ गया है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन, एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन में फर्स्ट पॉइंट आया आपका गैस मास्क। गैस मास्क, गैस मास्क क्या होता है बेटा? गैस मास्क बेटा सिंपल सी बात है, जो गैस मास्क है बेटा, एक डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। बेटा ये एक प्रकार का डिवाइस है जो या तो एक्टिवेटेड चारकोल से मिलके बना होगा या मिक्सचर ऑफ एडसोर्बेंट से। मिक्सचर ऑफ एडसोर्बेंट से ये डिवाइस करता क्या है, जरा अब हम ये जान लेते हैं। मान लीजिए कोल माइंस में, अब मान लीजिए आप हो या मैं हूं बेटा, मैं कोल माइंस में चला गया। कोल माइंस में क्या होती है बेटा? पॉइजनस गैसेज होती हैं, टॉक्सिक गैसेज होती हैं। तो टॉक्सिक गैसेज होती हैं तो सिंपल सी बात है, तो वहां पर क्या लगा के जाते हैं? गैस मास्क किट। क्या लगा के जाते हैं? गैस मास्क किट। गैस मास्क किट क्या करती है बेटा? जो पॉइजनस गैसेस है उसे अपनी तरफ एड्सॉर्ब कर लेती है, और जो नॉइज है आपकी उसके अंदर क्या जाती है? फ्रेश एयर। और आप जो कोल माइंस है उसके अंदर आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, फर्स्ट टॉपिक आपका गैस मास्क किट जो एप्लीकेशन है किसकी? एड्सॉर्प्शन की, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब गैस मास्क किट के बाद बेटा हम नेक्स्ट एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया बेटा एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन के अंदर। कौन सा अच्छा पॉइंट आया? कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिंपल सी बात है, कैसे कंट्रोल करते हैं आप ह्यूमिडिटी को बेटा? सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल, जो सिलिका एंड एल्युमिनियम जो जेल होता है ना बेटा, वो एक एडसोर्बेंट के रूप में वर्क करता है। किसके रूप में वर्क करता है? एडसोर्बेंट के रूप में। वो क्या करता है? एनवायरमेंट से मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। एनवायरमेंट से किसको अट्रैक्ट कर लेता है? मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और कंट्रोल करता है ह्यूमिडिटी को। आपने देखा होगा, आप जब नए बैग्स खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर कुछ पाउच निकलते हैं, तो बेटा वो पाउच किस चीज के होते हैं? वो पाउच होते हैं सिलिका के। किसके होते हैं? सिलिका के। वो क्या करते हैं? अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सिंपल सा है बेटा, नेक्स्ट जो ये पॉइंट है आपका कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी आपका कंप्लीट हो गया है। और कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी में आप ह्यूमिडिटी को इजी वे में कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? सिलिका एंड एल्युमिनियम जेल की हेल्प से। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन है, बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आ गया बेटा, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, आप एडसोर्प्शन प्रोसेस के थ्रू बेटा जो नोबल गैसेस है आपके एनवायरमेंट की, जो स्टेबल गैसेस है, उनको बेटा आप बेटा सेपरेट कर सकते हैं। किस प्रोसेस से? एडसोर्प्शन प्रोसेस से। ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडसोर्प्शन, ड्यू टू डिफरेंस इन डिग्री ऑफ एडसोर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, ऑफ गैसेस बाय चारकोल, ए मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस। यानी नोबल गैसेस कौन सी गैसेस होती हैं? आपको पता होगा नोबल गैसेस अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस कैन बी सेपरेट बाय द एडसोर्प्शन। उनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है? बाय एडसोर्प्शन प्रोसेस से। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बेटा, जो इनर्ट गैस को सेपरेट करती है एडसोर्प्शन प्रोसेस से। सेपरेटेड बाय एडसोर्प्शन ऑन द कोकोनट एंड चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। कोकोनट और चारकोल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर बेटा क्या करते हैं ये बेटा? आपकी इनर्ट गैसेज को बेटा सेपरेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेपरेट। जो इनर्ट गैसेज हैं बेटा वो सारी की सारी स्टेबल गैसेज हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर। क्या हैं? स्टेबल गैसेज आपके एनवायरनमेंट में। उनको बेटा सेपरेट करने के लिए बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बेटा एडसोर्प्शन की, उनको सेपरेट करने के लिए, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेज। तो थर्ड पॉइंट आपका बेटा क्लियर हो गया है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया है? क्लियर हो गया है, सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन के अंदर। नेक्स्ट सिंपल सा है, रिमूविंग ऑफ कलर। रिमूविंग ऑफ कलर फ्रॉम सॉल्यूशन, मैटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के अंदर से कलर को क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं। तो एनिमल जो चारकोल होता है बेटा वो कलर को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, ठीक है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर से बेटा वो कलर को क्या कर देता है? रिमूव। फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन होता है, जो उसके अंदर स्टार्टिंग की जो शुगर होती है बेटा वो कलराइज शुगर होती है। क्या होती है? कलराइज शुगर। उस शुगर को, शुगर में से कलर को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, यानी इंप्योरिटी को रिमूव कर दिया जाता है। इंप्योरिटी का क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। सिंपल सा है, किसके थ्रू? एनिमल चारकोल के की हेल्प से। तो सिंपल सा है, ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एडसोर्प्शन की। तो सिंपल सा है, द एनिमल चारकोल रिमूविंग कलर, एनिमल चारकोल रिमूविंग कलर इन सॉल्यूशन बाय एडसोर्बिंग कलर्ड इंप्योरिटी। जो इंप्योरिटी है सॉल्यूशन के अंदर, कलर्ड इंप्योरिटी है, उसको रिमूव किया जा सकता है किसकी हेल्प से? एडसोर्प्शन की हेल्प से। तो एडसोर्प्शन की हेल्प से बेटा किसको रिमूव किया गया? कलर को रिमूव कर दिया गया एडसोर्प्शन की हेल्प से, बहुत इजी वे में। तो ये फोर्थ एप्लीकेशन है एडसोर्प्शन की। नेक्स्ट टॉपिक आ गया एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन में बेटा, कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट एक वर्किंग मैकेनिज्म करता है बेटा, कैटलिस्ट एक्ट एज एडसोर्बेंट का काम करता है इस प्रोसेस में, जो एडसोर्प्शन में कैटलिस्ट क्या करता है, एडसोर्प्शन का काम करता है, एक हेटरोजीनियस कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। एडसोर्बेंट क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है पार्टिकल्स को, तो सिंपल सी बात है ये रिमूव करता है, क्या करता है रिमूव करता है पार्टिकल्स को जो हार्मफुल गैसेस हैं। कैटलिस्ट का काम क्या है, इंटरमीडिएट का काम है इन केमिकल रिएक्शन, या एडसोर्प्शन के अंदर इंटरमीडिएट का काम है। सिंपल सी बात है ये गैस को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो सिंपल सा है ये किसका, ये एक सरफेस प्रोवाइडर की तरह वर्क करेगा, किसके अंदर एडसोर्प्शन के अंदर। तो सिंपल सा है कैटलिस्ट एक बहुत अच्छा मतलब एग्जांपल है किसका, एडसोर्प्शन का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बेटा एडसोर्प्शन के अंदर क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी क्या काम करती है बेटा, टू कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है, टू कंपोनेंट्स को क्या करती है, सेपरेट करती है, उसे क्या बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। एडसोर्प्शन के अंदर ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बेटा, दो चीजों को सेपरेट करना, दो चीजों को सेपरेट करना, उसे क्या बोला गया आपके उसमें क्रोमेटोग्राफी। तो सिंपल सा है बेटा एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, और ये सारे पॉइंट्स आप बेटा अच्छे से कर लेंगे, और ये आपकी एप्लीकेशन ऑफ एडसोर्प्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम न्यू टॉपिक कैटलिस्ट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट बेटा इंटरमीडिएट का काम करता है इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। जनरली रिएक्शन को क्या करता है बेटा, फास्ट, ऐसा कहा गया जनरली रिएक्शन को ये क्या करता है, फास्ट करता है कैटलिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट बेटा रिएक्शन को जनरली स्लो भी कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फास्ट ही करे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जनरली फास्ट भी कर सकता है रिएक्शन को और स्लो भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, सिंपल सी बात है। बात करते हैं हम कैटलिस्ट के बारे में बेटा। मान लीजिए फॉर रिएक्टेंट है हमारे पास ए, ये आपके पास रिएक्टेंट है, प्लस बी आपके पास रिएक्टेंट है। जनरली क्या किया आपने, एक कैटलिस्ट ऐड किया। कैटलिस्ट क्या किया इसमें, ऐड रिएक्शन में। कैटलिस्ट जैसे ही आप ऐड करेंगे तो बेटा ये इंटरमीडिएट का काम करेगा ए और बी और बेटा सी, ओके। और बेटा जो कैटलिस्ट है वो बेटा रिएक्शन से रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट बना देगा ए बी। क्या प्रोडक्ट बनाया, ए बी। अब सिंपल सा समझिए इस रिएक्शन में बेटा, कैटलिस्ट ने वर्क क्या किया, कैटलिस्ट ने वर्क क्या किया। सिंपल सी बात है कैटलिस्ट ने क्या वर्क किया बेटा, ए बी को जो रिएक्टेंट है आपका ए बी, इसको एनर्जी प्रोवाइड की। क्या प्रोवाइड की, एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड करने के कारण बेटा रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में और आपका कैटलिस्ट बाहर निकल गया। सिंपल सी बात है कैटलिस्ट ने ये वर्क किया, क्लियर। सिंपल सी बात है इसमें जो वर्क हुआ वो किसका वर्क हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी का। किसका वर्क हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी का। ग्राफ देखिए जरा एक्टिवेशन एनर्जी का, ये हमने ग्राफ बनाया, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये प्रोसेस है। सिंपल सा है, ये आपका ग्राफ है। क्या है ग्राफ, ये फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है और ये है बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ। ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे हम, किसके बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा बेटा। यानी हमें रिएक्टेंट को क्या, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है वो आपके जो एनर्जी बैरियर को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ऐसे ही इन केस नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बात करें, नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या होगी, ज्यादा होगी। मेनली जो नेगेटिव कैटलिस्ट है ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती मेनली। सिंपल सा है, तो सिंपल सा है आपके पास, आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में जाना, नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में जाना। अब जरा देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। बेटा इनिशियल फेज में जितना अमाउंट ऑफ आपने कैटलिस्ट लिया, क्या लिया, जितना अमाउंट ऑफ आपने कैटलिस्ट लिया, आपको फाइनल स्टेज में भी उतना ही कैटलिस्ट आपको बाहर मिल जाएगा आपको। यानी कैटलिस्ट ने क्या किया, इंटरमीडिएट का वर्क किया इसके अंदर। यानी जितना कैटलिस्ट हमने डाला था उतना ही कैटलिस्ट हमें बाद में मिल गया, मतलब कोई इसमें चेंजमेंट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो आपका जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स आई, मान लीजिए कोई स्पेशल रिएक्शन है, मतलब एवरी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है, एवरी रिएक्शन के डिफरेंट कैटलिस्ट होंगे, मतलब डिफरेंट रिएक्शन के क्या होंगे, डिफरेंट कैटलिस्ट। ये नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट से सारी रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी।
स्पेशल रिएक्शन स्पेशल कैटलिस्ट से ही परफॉर्म होगी, सिंपल सी बात है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, कैटलिस्ट की, सिंपल सा है। तो सिंपल सा आया आपके पास बेटा, जो कैटलिस्ट है, जो रिएक्टेंट है, स्पेशल कैटलिस्ट स्पेशल रिएक्शन के लिए ही होगा। इसी के अंदर बेटा नेक्स्ट आ गया प्रमोटर्स। क्या आ गया, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स बेटा एक सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज, इज कॉल्ड एज प्रमोटर्स। फॉर एग्जांपल में मान लीजिए हमने नाइट्रोजन गैस ली बेटा और हाइड्रोजन गैस ली बेटा, जब मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस किया, किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में और मोबोलियम की प्रेजेंस में, सिंपल सी बात है। तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, अमोनिया की। तो ये आयरन है और जो एमओ है बेटा, ये किसका काम करेंगे, प्रमोटर्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, प्रमोटर्स का। तो सिंपल सा है, प्रमोटर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो सिंपल सा है, जो एमओ है और एफई है, ये किसका काम कर रहे हैं, प्रमोटर्स का काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। कैटलिसिस के बारे में बेटा, अब हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस कैटलिसिस। तो सिंपल सा है, होमोजीनियस कैटलिसिस, व्हाट इज होमोजीनियस कैटलिसिस बेटा। तो होमोजीनियस कैटलिसिस में आप चेक करेंगे बेटा, जो रिएक्टेंट है ना, हमारा रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट है। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट, तीनों के तीनों बेटा सेम फेज में होंगे। किसमें होंगे, सेम फेज में। तो बेटा उसे बोलेंगे होमोजीनियस कैटलिसिस, होमोजीनियस कैटलिस। क्लियर। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए जैसे ये भी गैस है बेटा, सिंपल सी बात है, ये भी गैस है, ये भी आपकी गैस है और ये भी आपकी गैस है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट क्या है, सेम फेज में है, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए आपने इसमें क्या चेक किया, इसमें आपने चेक किया कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों ही सेम फेज में है, तो इस रिएक्शन को क्या बोल दिया, होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो सिंपल सी बात है, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाया। नेक्स्ट ये भी बेटा सिंपल सी बात है, एस्टर आपने लिया, एस्टर को के अंदर क्या ऐड किया आपने, वाटर। तो जो एस्टर है आपका क्या है, लिक्विड है, ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में। फिर आपने कैटलिस्ट भी आपने लिक्विड स्टेट में लिया, तो आपके पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड, ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है और ये भी आपका लिक्विड स्टेट में है, यानी मिथेनॉल, मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट तीनों क्या है, सेम फेज में है, तो क्या बोला गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटलिस्ट। यानी आपके पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट अगर तीनों ही सेम फेज में हो तो बेटा उसे बोलेंगे होमोजीनियस। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। नेक्स्ट आपके पास आ गया टॉपिक बेटा, हेटरोजीनियस कैटलिसिस, हेटरोजीनियस कैटलिसिस। व्हाट इज हेटरोजीनियस कैटलिसिस, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट बेटा डिफरेंट फेज में है। देखिए बेटा ये गैस है, ये भी गैस है और बेटा ये क्या है, सॉलिड। क्या है ये, सॉलिड। यानी रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट क्या है, डिफरेंट फेज में है, क्या है, डिफरेंट फेज में। तो उसे बोला गया हेटरोजीनियस कैटलिसिस, हेटरोजीनियस कैटलिसिस। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट आपके पास है रिएक्टेंट, आपके पास रिएक्टेंट बेटा एन टू क्या है, आपके पास गैस है, एच टू क्या है, गैस है और आयरन क्या है, सॉलिड है, आयरन क्या है, सॉलिड है। यानी रिएक्टेंट एंड कैटलिसिस आपके पास डिफरेंट फेज में है, किसमें है, डिफरेंट फेज में। तो उसे बोला गया हेटरोजीनियस कैटलिसिस, क्या बोला गया, हेटरोजीनियस कैटलिसिस। तो आपने हेटरोजीनियस कैटलिसिस को भी बेटा कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा न्यू टॉपिक, कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड। द कोलाइड इज ए हेटरोजीनियस सिस्टम, द कोलाइड इज ए हेटरोजीनियस सिस्टम। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे हम, कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल सा है बेटा, जरा देखिए, ये 10^-7 सेंटीमीटर, ये 10^-4 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बिटवीन 10^-7 एंड 10^-4,
अगर इसके बीच का जो साइज होगा सोल्यूट पार्टिकल का बेटा उसे आप कहेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल लेस देन 10^-7 सेंटीमीटर, -7 सेंटीमीटर से लेस देन होगा साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, उसे आप बोलेंगे ट्रू सोल्यूशन। नेक्स्ट बेटा द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ग्रेटर 10^-4 सेंटीमीटर, 10^-4 सेंटीमीटर, उसे बोलेंगे आप सस्पेंशन सोल्यूशन। सस्पेंशन सोल्यूशन क्या बोलेंगे आप उसे, सस्पेंशन सोल्यूशन। सिंपल सा है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो रेंज है वो 10^-7 से 10^-4 सेंटीमीटर के बीच में है बेटा, सिंपल सा है। आगे देखते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। सिंपल सा है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, ये बेटा डिस्पर्स है, ये फेज है, प्लस डिस्पर्जन मीडियम, प्लस डिस्पर्जन मीडियम इज इक्वल टू होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन सिंपल सा है, व्हाट इज डिस्पर्स फेज बेटा, जो सॉल्यूट पार्टिकल होता है, क्या होता है सॉल्यूट पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसे बोला जाएगा डिस्पर्स फेज, यानी सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसे क्या बोला जाएगा डिस्पर्स फेज। और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो कौन सा पार्टिकल होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल। जो डिस्पर्स फेज होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल। डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम से क्या मिलके बना हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो डिस्पर्स फेज है वो क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल, एंड डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल। सिंपल सी बात है, आप जान गए हैं व्हाट इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलके क्या बना हुआ है, कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल सा है बेटा, तो आप डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बारे में जान गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम। आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम है बेटा, हम ले रहे हैं डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सिंपल सा है, हम क्या ले रहे हैं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें टाइप ऑफ कोलाइड्स कौन से टाइप ऑफ कोलाइड्स बन रहे हैं और एग्जाम्पल क्या है इसका, सिंपल सा है। जरा देखिए बेटा, सबसे पहले लिया हमने सोलिड प्लस सोलिड, सोलिड प्लस सोलिड, सोलिड प्लस सोलिड मिलके कौन सा सोल बना रहा है बेटा, सोलिड सोल बना रहा है, कलर्ड ग्लास। एग्जाम्पल है आपका कलर्ड ग्लास, सिंपल सा है। नेक्स्ट आपके पास है सोलिड प्लस लिक्विड, सोलिड एंड लिक्विड मिलके बेटा सोल बना रहा है, क्या बना रहा है, सोल बेटा। फॉर एग्जाम्पल में है पेंट, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, पेंट। नेक्स्ट बेटा सोलिड प्लस गैस, सोलिड प्लस गैस मिलके क्या बना रहा है, एरी सोल बना रहा है बेटा, एरी सोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल डस्ट स्मोक, सिंपल सा है। डिस्पर्स फेज का मींस आपको पता ही है, डिस्पर्स फेज का मींस क्या होता है, डिस्पर्स फेज का मींस होता है बेटा सॉल्यूट पार्टिकल, एंड डिस्पर्जन मीडियम का मींस क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम का मींस होता है सॉल्वेंट पार्टिकल। और सोल डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से मिलके क्या बना होता है, बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल सा है, तो बेटा आपने सॉलिड प्लस सॉलिड के बारे में जान लिया, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में जान लिया, सॉलिड इन गैस के बारे में जान लिया। नेक्स्ट आपके पास आ गया है बेटा लिक्विड प्लस सोलिड, लिक्विड इन सोलिड, लिक्विड इन सोलिड क्या बन जाता है बेटा, जेल बन जाता है, क्या बन जाता है, जेल। फॉर एग्जाम्पल में बटर, क्या है, बटर। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा इमल्शन का, किसका है, इमल्शन। लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज इमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड कोलाइडल जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है, इमल्शन। फॉर एग्जाम्पल है मिल्क, क्या है, मिल्क। नेक्स्ट आपके पास है लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस वही एरोसोल बनता है बेटा इससे। फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका फोग। तो तीनों पार्ट आपने लिक्विड के केस में भी आपने कर लिए हैं, अब नेक्स्ट मैं आपको जो कराने जा रहा हूँ वो गैस का केस कराने जा रहा हूँ बेटा। इनके लास्ट आ गया इन केस ऑफ गैस, लास्ट क्या आ गया, इन केस ऑफ गैस बेटा, गैस प्लस गैस इन सॉलिड मिलके सॉलिड सोल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल में फोम रबर, फॉर एग्जाम्पल में क्या है, फोम रबर। नेक्स्ट आपके पास गैस इन लिक्विड बेटा फोम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, फोम। और सोप लेदर, वो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सोप लेदर। लास्ट आपका केस है गैस इन गैस, गैस इन गैस कोई भी
कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाती बेटा, ये ध्यान रखना, जो गैस इन गैस है नो कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सिंपल सा है, आपने बेटा सॉलिड डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम मीडियम के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, या आप कहें डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम के बारे में आपने जाना। तो बेटा फिनिश हो गया, ये करने जा रहे हैं बेटा हम, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में बेटा हम स्टडी करेंगे, किस चीज की स्टडी करेंगे, लियोफिलिक कोलाइड्स एंड लियोफोबिक कोलाइड्स। यानी आप स्टडी कर रहे हैं लियोफिलिक कोलाइड्स के बारे में और दूसरी स्टडी कर रहे हैं, दूसरा किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, लियोफोबिक कोलाइड्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लियोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। लियोफिलिक कोलाइड्स में बेटा जो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो गुड एफिनिटी होगी, बीच में क्या होगी, गुड एफिनिटी। एंड नेक्स्ट आप इसी केस में, आप लियोफोबिक के केस में देखेंगे तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगी, बैड एफिनिटी। सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट में लियोफिलिक, लियो मीन्स लिक्विड, लियो मीन्स क्या है, लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, बेटा ये लिक्विड लविंग सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड लविंग सॉल्यूशन। इसी केस में आप लियोफोबिक में देखिए, ये क्या है, लियो मीन्स लिक्विड, फोबिक मीन्स हीटिंग, लिक्विड हीटिंग सॉल्यूशन है। ये क्या है, लिक्विड हीटिंग सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, ये लिक्विड हीटिंग सॉल्यूशन है। जो लियोफिलिक है, लियोफिलिक कोलाइड है, वो बेटा उसको प्रिपेयर कर सकते हैं आप डायरेक्ट मेथड से। लियोफोबिक जो कोलाइड्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। सिंपल सी बात है, लियोफिलिक को डायरेक्ट मेथड से आप प्रिपेयर कर रहे हैं और लियोफोबिक को किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो लियोफिलिक है वो रिवर्सिबल इन नेचर है। क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर। और जो लियोफोबिक है वो इररिवर्सिबल इन नेचर है, वो इररिवर्सिबल इन नेचर। यानी ये इररिवर्सिबल सॉल्यूशन है, ये क्या है, रिवर्सिबल सॉल्यूशन है। लियोफिलिक रिवर्सिबल सॉल्यूशन है, लियोफोबिक क्या है, इररिवर्सिबल सॉल्यूशन है। लियोफिलिक के केस में अगर आप देखेंगे तो सरफेस टेंशन बेटा लेस होगा डिस्पर्जन मीडियम में। सरफेस टेंशन क्या होगा, लेस, किसके, लियोफिलिक के केस में। इसी केस में अगर आप लियोफोबिक के केस में आप सरफेस टेंशन चेक करेंगे तो बेटा मोर होगा डिस्पर्जन मीडियम में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लियोफिलिक के केस में बेटा अगर आप विस्कोसिटी चेक करेंगे तो विस्कोसिटी डिस्पर्स मीडियम के में बेटा मोर होगी लियोफिलिक के केस में, और लियोफोबिक के केस में जो विस्कोसिटी होगी वो बेटा लेस होगी। सिंपल सी बात है, जो लियोफोबिक फिलिक है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है। लियोफिलिक जो कंपाउंड्स है वो क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर, और लियोफोबिक क्या है, इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर। सिंपल सी बात है, एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो गम, ग्लू, फिलिक का केस है, गम है इसका एग्जांपल, ग्लू है, और लियोफोबिक का एग्जांपल है एयूसोल, एजीसोल। तो सिंपल सा है, आपने लियोफिलिक एंड लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में आपने जान लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक यू।